राजधानी दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में कई घंटों से तेंदुए की दहशत है। तेंदुए को पकड़ने के लिए 3 अलग अलग विभागों की 40 लोगों की टीम तैनात की गई है, लेकिन तेंदुए को पकड़ने में अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। बीती रात तेंदुआ पहली बार हाई प्रोफाइल सैनिक फार्म इलाके में देखा गया था। इसके बाद तेंदुआ एक और बार दिखाई दिया। एक कार में सवार लोगों ने तेंदुए को देखा और इसका वीडियो भी बनाया। चश्मदीदों के मुताबिक तेंदुआ सैनिक फार्म से सटे जंगल में घुस गया है। वो उधर से निकल के भागा रास्ते में छलांग लेते हुए, और मेरा और उसका 15 से 20 फीट का फासला था डिस्टेंस में। इतनी डिस्टेंस में वो मेरे पीछे भागा, मैं आगे भागा, तब वो क्रॉस करके और इस वाले फॉरेस्ट में गए। जो तेंदुआ देखा गया है वो 80 से 90 किलो का फुल साइज का है। तेंदुए को देखे जाने के बाद सुबह से ही लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुए को देखने और उसे तलाश करने के लिए इलाके में लोगों की भीड़ जमा होने लगी है, और सूचना मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस, वन विभाग, वाइल्ड लाइफ की टीम पहुंच गई। RWA ने भी सुरक्षा गार्ड जगह जगह तैनात कर दिए। मौके पर 40 से ज्यादा लोगों की टीम तेंदुए को ढूंढने और उसे पकड़ने में लगी हुई है। वन विभाग की टीम ने 2 बड़े बड़े जाल मंगवाए हैं। तेंदुए को इंजेक्शन देकर बेहोश करने की भी कोशिश हो रही है। एक फार्म हाउस है यहाँ पे जो सामने ही, फिर हम उधर गए, उधर ये बता रहे थे उधर है वो, फिर हम उसके नजदीक गए तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो वहाँ पर है, लेकिन जब हम उसके और नजदीक गए तो फिर वो दिखाई दिया कि हाँ यहाँ पे है, तो फिर उधर से तो भाग गया। लेकिन अभी हमने 2 ट्रैप केज लगा दिए और उम्मीद है कि इसमें ये आ जाएगा। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तब तक लोगों में काफी दहशत है। बहुत दहशत है, हमारे रेजिडेंस और अदरवाइज जो भी इधर रहते खाली प्लेट में सबको दहशत है। इंसानी बस्ती बसाने के लिए जंगलों को काटने की सनक ने तेंदुए को बेघर कर दिया है, इसलिए वो शहर की ओर आ जाते हैं।